बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ फैसल और दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहीन कॉम्प्लेक्स के सिग्नल पे और ये सामने शाहीन कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग नज़र आ रही है। कहाँ जा रहे हैं हम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये है बहुत ही टॉप सीक्रेट। जानने के लिए हमारे साथ रहें और जानिए कि हम आज आपको क्या दिखाने जा रहे हैं। ये शाहीन कॉम्प्लेक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। इसके उल्टे हाथ पे जो दरख्त नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ऑफिस है। रोड का नाम ज़ियाउद्दीन अहमद रोड है, जो राइट हैंड साइड से आ रही है और लेफ्ट हैंड साइड पे जा रही है, और हम खड़े हुए हैं इस वक्त आई चंडीगढ़ रोड पर। तो चलें आगे चलते हैं और जानते हैं आई चंडीगढ़ रोड संडे के दिन, और साथ में ये भी जानते हैं कि क्या टॉप सीक्रेट है, किस मिशन पे हम इस वक्त जा रहे हैं। ये गैलेक्सी मनी एक्सचेंज, हबीब मेट्रो बैंक की बिल्डिंग, अरबों खरबों रुपए का यहाँ कारोबार होता है। तमाम बैंक्स और तमाम कमर्शियल इदारे तकरीबन यहाँ पर उनके ऑफिस मौजूद हैं। संडे का दिन है इसलिए रोड बिल्कुल तकरीबन खाली है। ये जंग ग्रुप के ऑफिस हैं यहाँ पर, जियो, जंग, द न्यूज़। मैं कह रहा था रोड तकरीबन खाली है, उसकी वजह यही है कि तमाम ऑफिसेज तकरीबन बंद हैं। सड़क पे कई मीडिया हाउसेज भी हैं। उल्टे हाथ पे पीटीसीएल का ऑफिस है, केबल्स के डालने का काम भी जारी है और सड़क बिल्कुल साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन है। फुटपाथ्स अलबत्ता ख़राब हुए हुए हैं। बहरहाल काम चल रहा है तो उम्मीद की जाती है कि ये सब भी ठीक हो जाएंगे। यहाँ पे काफ़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें भी मौजूद हैं। ये राइट हैंड साइड पे AWT प्लाजा है, HBL बैंक है, ये GPO आ गया मेरे राइट हैंड साइड पर, और सामने MCB टावर और उसके पीछे हबीब बैंक प्लाजा और उसके पीछे UBL की नई बिल्डिंग भी मौजूद है। दोस्तों आज बहुत ही ख़ास दिन है कराची की आवाम के लिए। क्या ख़ास बात है ये हम आपको आगे चल के बताते हैं। ये उल्टे हाथ पे रेलवे की इमारत है, सिटी स्टेशन है ये। यूनी सेंटर आ गया है अब, ये अभी MCB टावर है ये। और ये अभी यूनी सेंटर के पास हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे कंप्यूटर्स की बड़ी बड़ी शॉप्स मौजूद हैं, ये कैफे बुकी है। राइट हैंड पे ये कॉटन एक्सचेंज बिल्डिंग है, प्री पार्टीशन बनी हुई इमारत है। इसके बराबर में हबीब बैंक प्लाजा आपको नज़र आ रहा है, काफ़ी ऊंचा। ये सिटी स्टेशन की एंट्रेंस है। ये अभी बैंक प्लाजा है और उसके पीछे सिंध मदरसतुल इस्लाम है। ये ब्रिज है जो MT खान रोड की तरफ जाता है, और यहाँ पे ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड की इमारत भी मौजूद है, ये भी खासी पुरानी है। ये
ये बैंगल अभी आ गया है। इस रोड पे काफ़ी पुरानी इमारतें मौजूद हैं, जैसे कि ये उल्टे हाथ पे नज़र आ रही है, यहाँ मीज़ान बैंक की भी एक ब्रांच मौजूद है, सिंह बैंक की है, और ये है KFC, अलाइड बैंक, और ये UBL की नई इमारत, अल्पला इंश्योरेंस, और इसके बराबर में UBL की एक और बिल्डिंग मौजूद है। पुरानी तारीखी इमारतें इस रोड पे काफ़ी हैं, लेकिन नई इमारतें भी मैं यहाँ पे मौजूद हैं। ये SBL इस्लामिक बैंक, ये जनरल इंश्योरेंस, और उसके बराबर में नेशनल बैंक हेड ऑफ। ये अलरहीम टावर है, और ये स्टैंड चार्जर की एक और पुरानी बिल्डिंग थ्री पार्टीशन बनी है। दोस्तों, अब हमारी मंजिल टावर की जानेब है। UBL, फैसल बैंक, पुलिस हेडक्वार्टर के सामने से इस वक्त हम गुजर रहे हैं। और उसके बराबर में है बैंक अल्फला की कॉरपोरेट ब्रांच, MCB इस्लामिक बैंक, और ये स्टेट बैंक आ गया है लेफ्ट हैंड साइड पर। हम टावर, मेरी वेदर टावर हमें नज़र आ रहा है। ये है मेरी वेदर टावर, अंग्रेज़ों के ज़माने का बनाया हुआ टावर है ये, जिस पर क्लॉक लगी हुई है, जो कि फंक्शनल है। दोस्तों, अब हम आपको आगाह करते चलें कि आज कराची में ग्रीन बसें आ रही हैं शहरी जहाज के ज़रिए, जिनकी तादाद तकरीबन 40 है, और हम आपको कोशिश करेंगे उन बसों के आने के तमाम मनाज़र दिखा सकें। तो हमारे साथ रहें और जानिए मज़ीद तफ़सीलात। इस वक्त हम जनाब रिश की तरफ रवाना दवा हैं। यह मशहूर ज़माना जनाब रेसीदे की बिल्डिंग है। हमारे साथ रहिए और जानिए मज़ीद तफ़सीलात आज के दिन की। कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। ये सामने PNSC बिल्डिंग है, उसमें कई दफ़ा आग भी लगती है। मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करते हैं मज़ीद आपको। अस्सलामुअलैकुम, फ़ी अमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।